आप दिल्ली या यूपी के आसपास रहते हैं तो मौसम का हाल जानकर घर से निकलिएगा। कभी भी हल्की से तेज बारिश हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट रहने को कहा है। आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली और उसके आसपास बारिश की संभावना है। दिल्ली NCR में 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री रह सकता है। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले 2 दिनों तक हल्की से तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में रुक रुक कर सामान्य बारिश हो सकती है। राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया और पटना जिले में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगह पर नदियां उफान पर हैं और लैंडस्लाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों में अलग अलग हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की भी चेतावनी दी गई है। इस दौरान लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। यूपी में मानसून का असर तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ से नोएडा तक बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम और पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ऐसी संभावना जता रहा है कि कुछ जिलों में अचानक या रुक रुक कर तेज बारिश हो सकती है। इनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर शामिल हैं। इनके साथ ही फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, मथुरा, हाथरस और कासगंज में भी भारी बारिश का अलर्ट है। एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बारिश के दौरान खुले में काम नहीं करने की सलाह दी गई है। यहाँ बिजली गिरने की आशंका है।